कुछ भी नहीं, सीधा तेल है, कोई भी लगाएगा तो बाल भैया इतने इतने लंबे हो जाएंगे। तो एक तो आप उनको देख के थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाता है कि यार इतने शरीफ लोग चीटिंग थोड़ा ना करें। अब तो सेलिब्रिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन हो गया तो विश्वास हमारा और बढ़ गया। उससे अगला स्कैम जो ऐप्स आ गई हैं इस मार्केट के अंदर, थराया हराया ऐसे करके बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं। वो क्या करते हैं, ऐप के अंदर आपको बोलेंगे अपने इसमें फोटो लोड कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि कुल कितनी तरह के स्कैम हमारे सामने ऑनलाइन इंटरनेट पे चल रहे हैं। मैं खुद ट्रैकोलॉजी में डील करता हूँ, ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, पिछले 14 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ। पर अब जिस तरीके से सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जैसे उसको घुमाया जा रहा है और जैसे उस पर बिल्कुल बेसिर पैर की बेतुकी बातें चल रही हैं, उससे देख के कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस होता है कि जो जेन्युइन ट्रीटमेंट करने वाले, जो जेन्युइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये जो स्कैमर्स हैं सो कॉल्ड, ये उनको ओवरपावर करके जनता को जो थोड़ा बहुत विश्वास आ रहा है लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स के ऊपर, वो भी खत्म कर दे रहे हैं। तो कितने तरीके के स्कैम चल रहे हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहला तो है जी ऑयल स्कैम। कुछ लोग आपके सामने आ जाते हैं विग लगा के, औरतों जैसा घुटनों तक के बाल होते मेल हैं, बट वो पोज ऐसे करते हैं कि जी हमारा ये तेल है, ये तेल लगाने से हमारे बाल ये घुटनों से भी नीचे लंबे हो गए। कितने समय में जी? 6 महीने में। कैसे टेक्निकली पॉसिबल है? हमारा जो बाल है 1 मिलीमीटर पर डे की स्पीड से इंक्रीज करता है। तो हो सकता है एक किसी बिरादरी के अंदर या कुछ एक ग्रुप ऑफ लोगों के अंदर ये एक रिचुअल हो कि उन्हें बाल नहीं काटने अगले 10 साल तक। हो सकता है नेचुरली भी ग्रो कर गए हैं, कुछ लोगों को जेनेटिक या किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं होता। उन 4-5 लोगों को आप सामने लाके और फिर अपना प्रॉपर तेल लगा के हर एक व्यक्ति को वही तेल आप बेच रहे हो, आप कैसे फंस जाते हो? आपके सामने बहुत भोले भाले शरीफ से लोग लंबे लंबे बाल लेके आए हुए हैं और आपको बोल रहे हैं कि जी हमारा ये फलाने वाला तेल है या प्रवासी तेल है, आप ये ले लीजिए, एक के साथ एक बॉटल का भी आज हम आपको कूपन दे रहे हैं। तो हेयर फॉल के कोई रीजन, कोई कैटेगरी ये बताते हैं आपको कि ये जो जेनेटिक बॉल्डनेस है, पीछे से आई हुई बॉल्डनेस है, आपके फादर बॉल्ड हैं, आप बॉल्ड हैं, उसके अंदर काम करेगा। आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी है उसमें काम कर जाएगा। कुछ भी नहीं, सीधा ये तेल है, कोई भी लगाएगा तो बाल भैया इतने इतने लंबे हो जाएंगे। तो एक तो आप उनको देख के थोड़ा सा आपको विश्वास हो जाता है कि यार इतने शरीफ लोग चीटिंग थोड़ा ना करेंगे। अब तो सेलिब्रिटीज के साथ भी कोलैबोरेशन हो गया तो विश्वास हमारा और बढ़ गया। सेकंड क्या होता है कि कॉस्ट इतनी कम रखी जाती है कि बल्क में डील करते हैं। बेस ऑयल हुआ किसी भी चीज का, उसमें कुछ जड़ी बूटियां वगैरह डाल के आपको दिखा दिया कि जी ये हमारा ऑयल है और इसमें ये विजुअली देखने में आपको लगेगा कि पता नहीं इसमें कितना ज्यादा आयुर्वेद इन्होंने डाल के और एक ऐसा कुछ चमत्कारी चीज पैदा कर दी। अब क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपका सारा ट्रीटमेंट ही अराउंड 400-450 रुपए का है, तो उसमें आपको रिजल्ट मिले चाहे ना मिले, अब आप इतनी जहमत नहीं उठाओगे कि आप जाके इन लोगों के अगेंस्ट कंप्लेंट करोगे, इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट करोगे या फेसबुक पे रिपोर्ट करोगे कि स्कैम चल रहा है। नहीं करोगे आप, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपको तो इंस्टेंट सामने सोल्यूशन मिला था, आपने फटाक से उठाया, आपने बोला कि चलो लगा के देख लेते हैं, वो भी आप रेगुलर नहीं लगाओगे। दूसरा सीरम का स्कैम। अब हेयर सीरम है, हम लोग रिकमेंड करते हैं प्रोकेपिल, रिडेंसिल, एनागेन, कैफीन, कोपेक्सिल, कैपिक्सिल, ये सारे के सारे बायोपेप्टाइड्स। मिनोक्सिडिल, सभी को पता है मिनोक्सिडिल इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है मॉलिक्यूल इंटरनेट के ऊपर कि अब उसकी जगह पे लोगों को कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए। अब इतने साल की प्रैक्टिस के अंदर हम लोग के पास डिफरेंट सैंपलिंग आती है, अलग अलग तरीके से सीरम आते हैं, इसमें अलग अलग कंसेंट्रेशन होती है। उन सीरम्स को हम लोग अपने क्लाइंट्स पे इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट देख के फिर इन कंपोनेंट्स की जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि एक रेशो आई 5% हमें रिडेंसिल चाहिए, 3% प्रोकेपिल चाहिए और 1% एनागेन चाहिए, या इसका उल्टा किस कैटेगरी में कितना चलेगा। विद एक्सपीरियंस इसकी अलग अलग हम लोगों ने सीरम्स डिजाइन किए, कंपनीज को हेल्प करी, अपना बीच में उसमें रिसर्च में पार्टिसिपेट किया, तो जाके कुछ फाइनल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है। यहाँ एक स्मार्ट से एक्टर आएंगे आपके सामने, वही बंदा ब्रेसलेट बेच रहा होता है, वही कैट्स आई क्रिस्टल बेच रहा होता है, वही बंदा परफ्यूम्स बेच रहा है और फिर वही बंदा मेडिकेटेड हेयर सीरम्स बेच रहा है कि जी ये सीरम लगाओ फर 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 करके आपके सिर में से बाल निकलने लग जाएंगे। क्या लॉजिक है यार, उसमें है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मजे की बात है आपको बोलेगा 3% रिडेंसिल, उसके कंसेंट्रेशन को मापने का कोई तरीका ही नहीं है। जो प्रैक्टिशनर है हम जैसे लोग, जिनका प्रैक्टिस का बेस ही उनके क्लाइंट्स हैं, वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देख सकते हो कि इस बंदे की रोजी रोटी इसी चीज़ पे निर्भर है कि अपने क्लाइंट्स के साथ चीटिंग ना करें। इंस्टाग्राम वाले स्मार्ट स्मार्ट लोग जो हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आज आपके सामने सीरम बेच रहे हैं, कल ये फिर वो क्रिस्टल बेच देंगे, फिर कोई परफ्यूम लेके आ जाएगा और तो और अगरबत्ती के पैकेट बेचना शुरू कर देंगे। नहीं चला सीरम, कोई बात नहीं, ये बेच लेते हैं। स्कैम नंबर 2, जिनकी कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, सिर नहीं पैर नहीं, नेचुरली बाल अच्छे हैं, बस उसको दिखा के आपको चिपका दिया सीरम, लगाओ जी। थर्ड
सप्लीमेंट स्कैम। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं बना जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जेनेटिक बॉल्डनेस के अंदर वापस बाल उगा दे। एक भाई साहब हैं, पहलवान हैं, बहुत अच्छी उनकी बॉडी है, तो वो जी अपना न्यूट्रिशन के नाम पे डब्बा बनाया उन्होंने, बिल्कुल ग्रेड 7 बॉल्डनेस का। एक बाबा जी दिखाते हैं उनको, बोलते हैं कि देखिए इसके सिर पे अब हम बाल उगा देंगे विद दिस सप्लीमेंट। अब वही आपने 2 महीने लिया, 3 महीने लिया, सस्ती कॉस्ट का प्रोडक्ट है, 1500 आपके लग गए, वैसे बॉडी के अंदर ताकत आ जाएगी पर बाल नहीं आएंगे। उससे अगला स्कैम जो एप्स आ गई हैं आज मार्केट के अंदर, फराया हराया ऐसे करके बहुत सारी एप्स आ गई हैं। वो क्या करते हैं, ऐप के अंदर आपको बोलेंगे अपने इसमें फोटो लोड कीजिए, उसी से ही जो स्टाफ बैठा है उनका देख के एक अंदाजा लगा के 3-4-5 उनके पास जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, कुछ उसमें हर्बल है, कुछ सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक। अब आप ये देखोगे इनवेरिएबली हर ट्रीटमेंट के साथ मिनोक्सिडिल जरूर चिपका देंगे आप, उसके बीच में इम्यून मॉड्यूलेटर्स भी डाल रहे हैं, आपकी गट हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं, आपकी कुछ और हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं, फैंसी नाम दे दे के अलग अलग चीज़ों के, आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं बेसिक उनको मैनिपुलेट करके उन चीज़ों ने काम करना भी है कि नहीं करना, लास्ट में आपको मिनोक्सिडिल दे दी जाती है। मिनोक्सिडिल का है जो रिजल्ट आप देखते हो 5-6 महीने के बाद, वो बंदा दिखा रहा है उसको फिर आगे पीछे करके दिखा देते हैं। और उसमें भी स्कैम मजेदार, बिफोर आफ्टर आपको जब भी मिलेगा तो क्लाइंट का सिर बिल्कुल नीचे होगा, आप देख ही नहीं सकते कि ये वही वाला बंदा है बिफोर और आफ्टर वाला, और हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स दिखा के अपने मेडिसिन बेच रहे हैं। मेल पैटर्न बॉल्डनेस में दावे से हम लोग बोलते हैं अगर डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया, अगर आपकी हेयर लाइन बनी और बीच में बाल अगर उड़ गए हैं, डिफ्यूज उड़े हैं यानी कि बाल पतले पड़ गए हैं, आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है हेयर लाइन के और उसके बीच में बाल अगर नहीं है वहां बाल आ जाएंगे, आप पेप्टाइड यूज कर लो, आप मिनोक्सिडिल यूज कर लो, बट जब तक आप यूज करते रहोगे आपकी एक ग्रोथ बनी रहेगी, जैसे ही आप छोड़ोगे ये सब बाल चले जाएंगे। सेम इन ऐप वाले लोगों के साथ है, खूब पैसा कमा रहे हैं उस चीज से, और खाली मिनोक्सिडिल यार तुम खुद लगा लो, 5-5 हज़ार रुपए का ट्रीटमेंट पर मंथ का जा रहा है, कोई सिर नहीं पता कुछ भी, कोई डायग्नोसिस नाम पे कुछ चीज ही नहीं है, बस आपको फैंसी तरीके से कन्विंस किया जाता है कि देखिए हम आपकी 360 डिग्री केयर कर रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं मिनोक्सिडिल, बाकी कोई हर्बल प्रोडक्ट उसमें ऐसा नहीं होता जो कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया, जो चीजें काम करती हैं बिल्कुल सामने पड़ी हैं, आप खुद भी कर सकते हो वहां से मिनोक्सिडिल से रिजल्ट्स दिखा के। बिफोर आफ्टर में जो भी फोटो आप देखोगे कि एक बिल्कुल बॉल्ड व्यक्ति और दूसरी तरफ भरा हुआ सिर है, टेक्निकली नॉट पॉसिबल। ऐसा हो तो फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत क्या है, इतना खर्चा करने की और क्या जरूरत है, इतनी रिसर्च करने की क्या जरूरत है, तो बढ़िया है ना, सप्लीमेंट से सब काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइफस्टाइल के अगर रीजन से आपका हेयर फॉल हो रहा है जो कि मोमेंटरीली वैसे भी ठीक हो जाता है, टीलोजन जिसको हम बोलते हैं, टीलोजन एफ्लुवियम बोलते हैं, मेडिसिन लोगे आपको ठीक हो गया, आप उस कैटेगरी में आ गए जो 15-20% लोग एकदम से विश्वास कर लेते हैं आप ही के टेस्टिमोनियल्स को आगे चला चला के वो पूरा अपना बिजनेस और अपना धंधा चला लेते हैं। उससे आगे का स्कैम हेयर ट्रांसप्लांट स्कैम। अब हेयर ट्रांसप्लांट स्कैम क्या चीज है, ध्यान से सुनिए, बिजनेस करने वाले MBA वाले लोग जिनका ट्राइकोलॉजी से मेडिकल साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ अच्छे रिप्यूटेड क्लिनिक से उनके टेक्नीशियंस को चोरी कर लेते हैं, चोरी करके, और एक ऐसा बंदा जिसने फ्रंट डेस्क पे हेयर ट्रांसप्लांट के क्लिनिक में कहीं काम किया और काउंसलिंग के लिए उसको बिठा दिया, एक किसी डॉक्टर साहब से संपर्क कर लिया जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है कि भैया महीने का आपको 1 लाख रुपया दे देंगे, जब आपकी जरूरत पड़े आप आ जाना, अदरवाइज हम काम चला रहे हैं, आपको डॉक्टर मिलेगा ही नहीं। क्लियर कट स्कैम, क्या डिसीजन लिया, कैसे लिया, कितने ग्राफ निकाले, कितने लगाए, कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक्नीशियन क्यों लेगा अपने ऊपर, या तो MBA वाला बंदा लेगा जिसने वो क्लिनिक सो कॉल्ड क्लिनिक खोला है, जो चेन ऑफ क्लिनिक चल रही है, डॉक्टर्स नहीं मैनेज कर सकते इतना, डॉक्टर तो बेचारा अपने क्लाइंट के साथ ही उलझा रहता है, अगर वो ईमानदारी से अपनी प्रैक्टिस कर रहा है वो अपने OT में ही उलझा रहेगा कि यहाँ मेरी सर्विसेज में कमी ना रह जाए, उसके पास 1-2-3-4 चेन चलाने की कहाँ से एनर्जी आ गई, आप खुद बताओ। ये MBA वाले बंदे जो मास्टरमाइंड होते हैं जिनको बिजनेस आता है, वो लोग ये चेन्स खोल के और फिर उसके अंदर मैनिपुलेशन अपनी स्टार्ट कर देते हैं। 100% ऐसा नहीं है, बट 100 के अंदर से केवल 20% क्लिनिक्स ऐसी हैं जो कि एथिकली डॉक्टर्स को साथ लेके प्रॉपर उनको पे करके और फिर अपना क्लिनिक्स रन करती है, और वहां पे भी यही समस्या आती है कॉर्पोरेट्स को, इन बिजनेसमैन को, कि जिस डॉक्टर का हाथ साफ हो गया, जिसने अपना काम सीख लिया, काम चला लिया, वो जाके अपना क्लिनिक खोल ले, तो ये लोग फिर फंस जाते हैं, फिर से टेक्नीशियंस को बीच में लाके ट्रैप करेंगे क्योंकि धंधा तो इनको भी चलाना है ना, तो जहां चेंज आ जाती है वहां पे आप समझ लीजिए अगेन एक स्कैम। इसी का एक और स्कैम, रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, सेमी रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट, बिल्कुल फेक। रोबोट बोलते हैं कि एक मशीन है जिसको के आपने सिर्फ हुक्म दिया और वो मशीन काम कर रही है, इंसान के बीच में जरूरत नहीं, इंसान सिर्फ सुपरविजन में रहेगा। जैसा कि आप देखते हैं कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर होता है, एक मशीन आती है, रोबोटिक आर्म आता है, एक पर्टिकुलर एक कार का हिस्सा पकड़ के वहां पर फिट कर देता है, दूसरी आर्म आती है उसके अंदर स्क्रू लगाती है, इसको बोलते हैं रोबोटिक। अब जो मैनुअल हम मोटर से निकाल रहे हैं ग्राफ्ट,
उसको बोल देते हैं रोबोटिक, उसी को बोल देते हैं सेमी रोबोटिक। रोबोट एक ही है, आर्टास करके एक रोबोट है, आर्टास यूएसए के अंदर, अभी भी उसकी डेवलपमेंट चल रही है। 3 साल पहले हमने उसका ट्रायल लिया था बॉम्बे के अंदर एंड इट वॉज ए यूजलेस मशीन, क्योंकि इंसानी जो बाल होते हैं स्कैल्प के ऊपर वो कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। रोबोट सिर्फ बाहर से, जो बाहर से आपका बाल स्किन के बाहर है उसकी डायरेक्शन को देख के अंदर घुसता है स्किन के अंदर, वो बाल मुड़ा हुआ है, स्ट्रेट है, तिरछा, कैसे रोबोट को नहीं समझ में आएगा। और उसने कैसे ग्राफ्ट निकाला है, कटा हुआ ग्राफ्ट आया, आधा कटा हुआ ग्राफ्ट आया, रोबोट को नहीं पता, पूरा आया उसको वो भी नहीं पता, ऊपर एक इंसान चाहिए। और जब वो मैनुअल ट्रांसप्लांट करते हैं, जो कि रूटीन में हम सारे लोग कर रहे हैं, एफयू के आगे आगे मॉडिफिकेशंस है, जो मेरा अपना सिस्टम डेवलप किया नियो डीएचटी नियो प्लेटिनम एफयू, मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके अपने वीडियोस में बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है, कॉस्ट में इतनी वेरिएशन क्यों है, एटलीस्ट ट्रांसपेरेंट एक्सप्लेनेशन तो है। अब रोबोट में आर्टास रोबोट, इनको किसी को बोलिए आपके दिखाओ तो उसे दर्शन कराओ, आर्टास रोबोट कैसे आप कैसे कर रहे हो, आप रोबोटिक दिखाई गया तो भाग जाएंगे एकदम से, नहीं हमारे क्लिनिक के यूएसपी हम नहीं दिखाना चाहेंगे। ओटी के अंदर आप जाके आप करिए कोशिश, नहीं समझ में आएगा आपको। हम लोग प्रॉपर ऑथेंटिसिटी से बताते हैं कि डेंटल मोटर से ये नुकसान है, ये हमारी नैनो मोटर आप देख लीजिए। सर्जरी के वक्त हम दिखाते हैं उनको कि ये आरपीएम है, इस आरपीएम पे काम कर रही है वो, उस जो डेंटल मोटर है वो इतने आरपीएम पे काम करती है, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है। तो रोबोटिक सेमी रोबोटिक, जहां आपको किसी ने बोला समझ लो कि वो फिर से स्कैन है, वो सिर्फ जो एक अपनी जो एक बेसलाइन डेंटल मोटर से काम कर रहा है उसे पैसा कुछ ज्यादा लेने के लिए, दे हैवंट इन्वेस्टेड एनीथिंग इन टेक्नोलॉजी, कुछ नहीं किया, वही टेक्नीशियंस की भीड़ इकट्ठी करके अपने ही प्रोसीजर को इम्प्रोवाइज करके आगे आगे आपके सामने सब चीजें रखते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके के स्कैम्स हैं कि हम चाहते ना चाहते हुए अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमने स्टडी नहीं किया, तो पूरे चांसेस हम कहीं ना कहीं इसमें किसी एक आधे ट्रैप में फंस जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने आप को एक टेक्निकल व्यक्ति मानता हूँ क्योंकि मेरा पैशन है। इंटरनेट पे एक ऐड चल रही है, वैक्यूम क्लीनर की ऐड चल रही है और आपने भी देखी होगी शायद, बहुत ज्यादा ऐड चलती है, चाइनीज वैक्यूम क्लीनर है सिर्फ 600 रुपए का, उसके अंदर इतनी पावर दिखाते हैं कि ये वैक्यूम क्लीनर तो आपके कपड़े तक सील करने के अंदर ही आपके काम आ जाएगा और गाड़ी में से कितना ही गंदगी हुई उठा लेगा। और टेक्निकली आप उसका यूट्यूब पे जब आप उसका वीडियो देखोगे सामने जाके, तो उसमें तो इतना दम भी नहीं है कोई बेचारा 4 कागज के टुकड़े उठा ले, उसको ऐसी फिल्मिंग करके दिखा देते हैं कि आपका मन करेगा अरे अरे तो ले ही लो, और वो भी कॉर्डलेस है, चार्जेबल है, इतनी पावर। कहने का मतलब ये कि हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी ऑप्ट करते हैं, किसी भी तरफ जाते हैं, उसकी एक बेसिक बेसलाइन आपको नॉलेज होनी जरूरी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें आपको मेल पैटर्न बॉल्डनेस को कैसे डायग्नोस करना है, टीलोजन एफ्लुवियम को कैसे डायग्नोस करना है, न्यूट्रिशनल हमारी अगर वीकनेस हो उसकी वजह से हेयर फॉल हो तो कैसे डायग्नोस करना है। तो अगर आप कुछ वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर आपके साथ चीटिंग करने का जो है ना वो कोई हौसला नहीं कर सकता। तो ये था वीडियोस जो कॉमन स्कैम्स के बारे में था, इनमें से कुछ किसी चीज़ के बारे में आप अगर आगे फर्दर डिटेल चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, धन्यवाद।